एनबीसी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसन अकरम। आंध्र प्रदेश के दो माल्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक का नाम सीएम रमेश जबकि दूसरे का नाम वाईएस चौधरी है। वाईएस चौधरी पर आरोप है कि इनकी कंपनी ने 5700 करोड़ रुपये बैंकों से लेकर उनके चुकाए नहीं है, जबकि सीएम रमेश ने 100 करोड़ रुपये का लेन देन संदिग्ध तरीके से किया है। इन पर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी द्वारा मामले चलाए जा रहे हैं। तो आइए इन पर चलाए जा रहे मामलों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। 20 जून को यह खबर आई कि टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के 4 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनमें से वाईएस चौधरी और सीएम रमेश भी हैं। ये वही सीएम रमेश और वाईएस चौधरी हैं जिनके बारे में पिछले वर्ष बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा था कि ये आंध्र प्रदेश के माल्या हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने राज्यसभा एथिक्स कमेटी को एक पत्र भी लिखा था। कई मामलों में सीबीआई और ईडी द्वारा इन पर मामले चलाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया था कि वाईएस चौधरी की एक कंपनी जिसका नाम बेस्ट एंड क्रम्पटन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, उसने कई बैंकों से धोखाधड़ी के साथ 360 करोड़ रुपये का लोन लिया जिसे उसने नहीं चुकाया। यह बात सामने आने के बाद ईडी ने उनकी प्रॉपर्टीज़ पर छापामारी की और छापामारी करने के बाद 315 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। उनकी जब्त की गई संपत्ति में फिरारी, रेंज रोवर्स और बीएमडब्ल्यू जैसे महंगे कार भी शामिल हैं। जांच करने के बाद ईडी ने यह जानकारी दी कि वाईएस चौधरी सुजाना ग्रुप के मालिक हैं जिसके अंतर्गत कई नामालूम कंपनियां चलाई जा रही हैं और इसने टोटल कई बैंकों से 5700 करोड़ रुपये ले रखे हैं जिसे उन्होंने नहीं चुकाया है। इसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। इसी तरह पिछले वर्ष अक्टूबर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि सीएम रमेश की एक कंपनी जिसका नाम रित्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसने 100 करोड़ रुपये का लेन देन संदिग्ध तरीके से किया है। इसी तरह से पिछले वर्ष सीबीआई के आलोक वर्मा वर्सेज राकेश अस्थाना मामले में भी इनका नाम सामने आया था। सना सतीश बाबू नामी एक गवाह ने कहा था कि सीएम रमेश ने उस वक्त के सीबीआई चीफ आलोक वर्मा से बातचीत की थी कि उनके खिलाफ चलाए जा रहे मामलों में उन्हें राहत दे दी जाए, लेकिन आलोक वर्मा और रमेश ने इन सब आरोपों से इनकार किया था। तो देखा कि आपने बीजेपी में शामिल होने वाले इन दो बड़े उद्योगपति पर किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले चलाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद इनके खिलाफ क्या इसी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी या बीजेपी में शामिल होने का मतलब यह समझा जाए कि इन्हें जांच से राहत दे दी जाएगी। इसी तरह की और भी खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनबीसी हिंदी के साथ। धन्यवाद। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।